सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आ गए शिवड़ी वाइट मैजिक। किधर गया भाई? सो अभी हम लेने वाले मैगी। आज हम जो कंपटीशन करने वाले फूड चैलेंज वो मैगी का रहेगा, बट यहाँ पे ज़्यादा देख नहीं रहे। लेट्स सी। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैगी है, मैगी में इसमें और कोई फ्लेवर नहीं है, सिर्फ मैगी है और यही सब है और नूडल्स में कुछ नहीं है। चलेगा ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू गाइस। ये देखो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कर रहे हैं मैगी चैलेंज। आप जैसे देख पा रहे हैं हमारे पास मैगी के 5 to 4 to 5 है, या और ये के 2 to 3 है। यहाँ पे हमने ये सब प्रिपेयर कर लिया है एंड नाउ अब हम इसको ब्लाइंड फोल्ड करके टेस्ट करके बनाएंगे। वी हैव 8 डिफरेंट फ्लेवर्स। दिस इज़ यिप्पी मूड मसाला, दिस इज़ आटा मैगी, जो आटा मैगी होता है, एंड ये है यिप्पी सॉसी मसाला, फुल रेड कलर का है ये। ये है मसाला ओट्स विच इज़ हेल्दी, ये दो चीज़ काफ़ी हेल्दी है। ये है मैगी स्पेशल मसाला स्पाइसी यम, इसमें कुछ ज़्यादा फ्लेवर्स है, दैट इज़ राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ऐसे फ्लेवर्स है। आप लोग ने अगर किसी ने खाया है तो आपको पता रहेगा। ये है यिप्पी मैजिक मसाला, जो मोस्टली यिप्पी के सबसे नॉर्मल जो रहता है यिप्पी का, और ये है मैगी का 2 मिनट नॉर्मल। ये दो है बेसिक फ्रॉ बेसिक ऑफ यिप्पी, बेसिक ऑफ मैगी। और ये एक है फ्यूजन हांगकॉन्ग मैगी का, ये कुछ नया है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, सो लेट्स ट्राई। देखते हैं हम दोनों में से कौन कितना सही आंसर दे पाता है, कितना कर पाते हैं। गाइज आप लोग मेरे से इनमें से कौन सा मैगी आप लोग को ज़्यादा पसंद है, आप लोगों ने कौन सा ट्राई किया है, प्लीज़ कमेंट करके बताना हमको। और आपको फ्यूचर में कौन सा वीडियो देखना है, ब्लाइंड फोल्ड, कौन सा फूड चैलेंज देखना है, जो भी फूड चैलेंज आप बोले। जैसे वन ऑफ आर सब्सक्राइबर्स है जो भी हमारे भाई भी है, दैट इज साहिल सजवान, उन्होंने बोला है वड़ा पाव का, हम जल्द से जल्द वड़ा पाव का भी लाने वाले हैं। नो वरी साहिल, हम तेरा मान रख लेंगे यार। और या लेट्स गेट इनटू द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय गाइस, हमारा भी फूड चैलेंज स्टार्ट हो गया। जैसे आप देख पा रहे मेरे सामने सब रखे हुए हैं और आंखों पे पट्टी आ गई है यार, कुछ ज़्यादा ही टाइट बांध दिया यार, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता, आई एम सो सॉरी, नहीं तो ये वीडियो डिस्क्वालीफाई कर देगा यूट्यूब। ऐसा कुछ नहीं होता है, बट मेरे को कोई हिंट नहीं चाहिए, सॉरी। हाँ मैं सिर्फ इतना पूछ सकती हूँ, ये यिप्पी के मैगी है? नो एट ऑल मैम, कुछ भी नहीं बताया जा सकता। ए चीटर कॉक, स्मेल क्या ले रही है ना, स्मेल खा रही तो स्मेल क्यों ले रही है? तुझे क्या लगता है, मैं तुझे कुछ और दे दूंगा? मैं एक मैगी के लिए 20 सेकेंड्स दूंगा अब। कैसे खा रही है ये ना, मैगी का है। देख तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैगी का है। एक्यूरेट आंसर दे और खत्म कर, रॉन्ग हो चाहे राइट, तुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाला, तू जीत भी जाएगी। तो हांगकांग वाला है कि बहुत क्लोज है तू। स्पाइसी मसाला, कौन सा मैगी स्पाइसी मसाला स्पेशल वाला, स्पेशल हाँ स्पाइसी मसाला। चल छोड़ दे, खाने तो दो बाद में खाना, चलना खाना मुझे छीन रहा है। तो गाइस देख सकते हो, नाम आपने देख लिया ना, शी हैज गिव अ रॉन्ग आंसर।
मैगी 2 मिनट्स करेक्ट ये तो कौन सा है चाइना से लेके आया हूं मैं चाइना से याद आया गाइस वो कोरियन नूडल्स है ना मेरे को वो ट्राई करना है ये यीपी है ओके बट व्हाट मसाला इज इट मैंने तेको ऑलमोस्ट हिंट दे दिया यीपी एंड मसाला के बीच में एक वर्ड लॉक्ड है बेबी आई नो यीपी आई नो मसाला ये कौन सी मैगी है नूड मसाला नहीं हाँ हाँ तूने स्मेल तो किया होगा जब तू कुक कर रही होगी ना और बहुत बोल रही थी तो कुछ अलग ही फ्लेवर है पकाने के टाइम पे जब तू इसे कुक कर रही थी हाँ मूड मसाला कौन सा यपी मूड मसाला चल ला रॉन्ग आंसर चम्मच पकड़ अपना फोक मेरे को नहीं चाहिए गाइस आंसर राइट है छी कुत्ता आई मीन कुत्ती ये आटा का टेस्ट आ रहा है आटा ये कौन सा फ्लेवर है ठीक से आराम से कौन सा है ये आटा का ही टेस्ट आ रहा है अरे आटा का टेस्ट आ रहा है तो कौन सा फ्लेवर है आटा वाला था ना कौन सा था वो थोड़ा तो नाम बता उसका कौन सा मैगी का आटा मैगी का आटा हाँ आटा नूडल्स ओके तो इसी की रोटी बनेगी कल से लाओ दिखा मुझे आंसर गिराना नहीं ओके सो ये भी राइट है शायद मसाला वेज आटा मसाला वर्ड यूज नहीं किया तूने बट वो मसाला ऑब्वियसली मसाला रहेगा ना क्योंकि हम रात के 11 बजे वीडियो बना रहे क्या हुआ क्या हुआ सॉरी टू से गाइस मैं तो सॉरी टू एक्सप्रेस मेरे को इसका बिल्कुल टेस्ट पसंद नहीं आया ये जो भी मैगी रहेगा ना कभी नहीं खाएगी अरे नॉर्मल मसाला वाला रेड कलर पैकेट वो वाला ये यीपी मसाला हाँ लॉक ला जब पसंद नहीं आ रहा तो पेल क्यों रही है इतना वो मेरे समझ में नहीं आ रहा फोन उठा क्या टक टक कर रही तो गाइस ये भी आंसर राइट दिया इसने मतलब ये मैगी मसाला ओट्स श्योर डन जब तू खा नहीं थी तो मुझे समझ में आ रहा था वो समझ गया तो गाइस ये भी आंसर उसका राइट ही है ये तो चैलेंज की तरह भले जिसको बुरा लगे लगने दो सब्सक्राइब कर रखा लेकिन एक बार भी वीडियो नहीं देखते आके यार दिस इज नॉट गुड राइट सब्सक्राइबर्स वीडियो ही नहीं देख रहे मैं देखता हूँ हर बार एनालिटिक्स देखता हूँ हर भाई तुम लोग जितने लोग अगर वीडियो देख भी रहे हो अगर एक भी लाइक कर दोगे ना धीरे टेबल गिराना नहीं हमें लाइक कर दोगे तो यार मजा आ जाएगा वीडियो ओपन होते साथ ही लाइक कर दोगे तो भी चलता है यार ऐसा कौन नहीं खाता दिस इज मैगी का ही है कोई तो हांगकांग
हांगकांग नहीं और कौन सा बाकी ओके 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 आगे बढ़ 30 seconds नहीं 3 seconds 3, 2, 1 फेल्ड ये नॉर्मल मसाला है मैगी का स्पेशल मसाला हार गई हार गई ये भी सॉसी मसाला इसका टेस्ट या एक्चुअली गाइस बहुत अलग है कुक कर रहे थे ना तभी भी समझ में आ रहा था कि पूरा सॉसी बट जो कि पूरा ड्राई हो चुका है हाय फ्रेंड्स तो आ गई मेरी बारियां मैं तो बहुत हंस रहा था इस पे चलो देखते हैं अब मेरे पे कितना हंसती है इट्स 6/8 मतलब या 6 मार्क्स मिले मेरे को 80% स्कोर कर रहा ये तो मेरे को एक सेकंड भी नहीं लगा था बोलने में ये दीदी मस्त बनाती है मसाला है हाँ ये मैगी मसाला है बाद में के लिए मत रखा भी बता दे रहा हूँ राइट है ना गाइस यस राइट है डन थैंक यू तो मैं मजे ले रही थी तुम्हारे इसके खुशबू से सॉसी है फिर इसमें वेजिटेबल है जो पूरा सॉसी लग रहा है ले दो सॉसी देखा राइट है आटा नूडल सच में गाइस मेरे को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया आटे के टेस्ट ने उसको बता दिया कि वो आटा है रोज रोटी खाते टेस्ट बकवास है ये भी मसाला गलत गलत है देख लो गाइस नाम तो बता गलत लास्ट में बताऊं क्यों बताओ हांगकांग मसाला नहीं नहीं गलत हुआ ये कौन था क्या स्पेशल नहीं है बट ये थोड़ा अलग है ये शायद स्पेशल मसाला होगा ये नॉर्मल मैगी मैंने खा लिया ना हाँ तो फिर स्पेशल मसाला क्योंकि बहुत गंदा ही रही थी इसलिए मैं स्पेशल हांगकांग में कंफ्यूज हो गई थी पता है आई एम सो सॉरी गाइस जो मैगी के फैंस हैं आई एम सो सॉरी मेरा हांगकांग है फाइनल नहीं कंफ्यूज हो गया मैंने इससे पहले हाँ सॉसी तो खा लिया तो फिर ये हाँ ये हांगकांग है राइट बस बस
लगा है ना पूरा। नहीं नहीं हाँ यार अब कंफ्यूज हो गया मैं, अब मन नहीं कर रहा खाने का। राइट है वो ही फिक्स है कि नहीं? लॉक कर दिया। कौन सा रिवॉल्व? राइट है देख लो गाइस। नहीं मैं अभी नहीं खोल पाऊंगा, एक ही बार खोलूंगा। अभी लास्ट बाकी है भाई, इन्होंने भी 6 बोल दिए। ये हार जाओ नहीं तो मेरे को गिफ्ट देना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा तुझे। कहां है भाई? यही तो था अभी सामने। एक मिनट। हाँ मैं कुछ नहीं दूंगी। ये मसाला ओट्स है। कितनी बार ओट्स खाओ? मैं कितनी बार क्या आटा खाया था मैंने। ठीक है खाओ आटा। हाँ खाओ। यार तू तो बता ही नहीं। मैंने तुझे बताया था? नहीं मेरे को एक हिंट भी नहीं दिया था। मैंने कितने सारे हिंट दिए व्यूअर्स आपको पता है, दिख रहा है आप लोग को राइट? बता दो जल्दी। हरिओम मेरा पेट पूरी तरह। हाँ तो बोल के ब्लाइंडफोल्ड खोल दो ना, लास्ट है तो। ये ना एकदम नॉर्मल वेजिटेबल लग रहा है। नॉर्मल ही है वो, बाकी हिप्पी का लग रहा है मुझे क्योंकि इसमें वेजिटेबल आ रहा है। मैगी में ऑब्वियसली से एक ही में वेजिटेबल है। नहीं मैगी के हर ये हाँ मैगी में एक में भी वेजिटेबल्स नहीं है। मैगी का जो पावर है ना उसके सब वो मसाले में स्पिरिट में मसाला वाला जो पैकेट है ना मैं उसको स्पिरिट बोलना पसंद करूंगा क्योंकि शायद वो ही उसमें जान डालता है। तुम एक सेकंड बोलोगे? ये पी का ही बचा है ये तो। मैंने सब दे दिया आंसर। हाँ मैगी के सब आंसर हो गए रॉन्ग भी और राइट। आई डोंट नो ये यूपी के दो ये मैजिक मसाला है राइट है? हाँ कि ना बोलो। ये तो भैया वहाँ खोल के तो मैंने तो हाँ मैजिक मसाला राइट है। गाइस मेरा पेट ऐसा भरा है ना अभी दिखाऊं आपको टी शर्ट उठा के? कोई जरूरत नहीं आपको बॉडी दिखाने की, कोई जरूरत नहीं है। मेरा पेट दिख ही रहा होगा। गाइस मैं हार गई। कैसे? एक उनका ये भी राइट हो गया। उन्होंने 7 राइट दिया मैंने 6। बट गाइस मुझे मैगी नहीं पसंद है यार। समोसा के लिए मैंने इसके लिए बोला था क्योंकि समोसा मैं रोज खा नहीं सकता, वो बहुत 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 ज्यादा हैवी है। मैगी कुछ ज्यादा ही है। मैगी तो मेरे पास टाइम नहीं है मैगी खाने का। उसको कुक करो देन उसके लिए 15 मिनट्स वेट करो। आप लोग 20-25 मिनट्स में खा लेते रहोगे लेकिन मुझे हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगता है क्योंकि वो गर्म होता है। जब तक वो पूरी तरह चिल नहीं हो जाता जैसे अभी मेरा रूम टेम्परेचर है तब तक मैं नहीं खा सकता। तो अब तक तो आपको मजा आया होगा गाइस। यार लाइक ठोक दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो अगर आपको लगता है तो। लाइक फॉर फ्री है। देखो आपको पता है YouTube है ना बिल्कुल भी फ्री है। एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप लोग Facebook, WhatsApp, everything आपको साइन इन करना पड़ेगा विद सब्सक्रिप्शन फॉर एन ईयर फॉर अ मंथ। Netflix दिखाओ आपको, ये भी Netflix बनने वाला है बहुत जल्द अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। हाँ यू मे भी कुछ तो होंगे उसके नॉर्म्स एंड पॉलिसीज है, आई डोंट नो वो सब फ्यूचर में। छोड़ो लाइक कर दो। लाइक करो गाइस, कमेंट करो यार, सब्सक्राइब करो। आप मुझे पता है 70-90% जो बंदे हैं ना या बंदियां या अंकल या आंटीज या बेबीज या व्यूअर्स एवरीवन सब पानी पी बाहर के हो, आई मीन न्यू हो चैनल पे बट आप सब्सक्राइब ही नहीं करना चाहते हो।
ऐसे थोड़ी ना होगा गाइस, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर रहे हो ना आप लोग, तो मैं मोटिवेट होके, देखिए मेरा ये वीक का शायद सेकंड या थर्ड वीडियो है ना, थर्ड वीडियो है यार। करो ना प्लीज, करो ना नहीं, सब्सक्राइब, हिट दैट सब्सक्राइब वाला रेड बटन और उसके बाजू में बेल है, घंटा टंग बजा दीजिए। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत खतरनाक ब्लॉग आने वाला है नेक्स्ट। थक चुका गाइस मैं मैगी खा खा के, तो प्लीज कुछ नया चैलेंज दीजिए। 12 बज गए वो गाइस, मुझे कल ऑफिस जाना है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हो ना ऐसे ही फूड चैलेंजेस हो तो प्लीज आप भी, जैसे अभी मेरे रिसेंटली आपको आयुषी ने बताया कि हमारे कजिन है, फर्स्ट कजिन साहिल सजवानू, उसने मुझे बोला कमेंट पे कि भाई हमें वड़ा पाव का चाहिए, आई मीन फूड चैलेंज, तो वो हमें एक चैलेंज दे रहे हैं वड़ा पाव का चैलेंज। तो जुगाड़ी अड्डा करके जिसपे मैंने एक पहले वीडियो डाला, अगर आप चेकआउट करोगे ना, तो उसमें नॉर्मली मैंने सिर्फ वैसे ही लाइक टेस्ट किया था कैसा है वो। यहाँ पे आपको राइट साइड के ऊपर जो आई बटन है वहाँ पे जुगाड़ी अड्डा का वीडियो मिल जाएगा। चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिएगा। कर लो, चेकआउट करोगे ना तो क्या होगा मालूम है, इसी बहाने आप लोग और भी वीडियोस देख लोगे हमारे एक के साथ। ऑटो प्ले पे एक दिन देख के देखो ना, मजा आएगा आपको देखने में। और एक लाइक का बटन प्रेस कर लेंगे, तो मैं बार बार बोलना नहीं चाहूंगा लाइक बटन। और मैंने ना बहुत जल्द ऑर्डर करना है, अभी तो सीजन सेल लग रहा है, सबके सेल्स लग रहे हैं, तो मैं बहुत जल्दी एक प्यारा सा गिफ्ट अपने फर्स्ट व्यूअर के लिए लाने वाला हूँ, जो फर्स्ट गिव अवे रहेगा हमारा। हाँ, उसका अनबॉक्सिंग मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको अपने साथ में अपने ब्लॉग में बनाऊं, उनको अपने ब्लॉग में लेकर गिफ्ट ब्लॉग बनाऊं, एक प्रॉपर गिफ्ट देंगे उनको हम एज अ सरप्राइज, देना ही होगा राइट, एज अ सरप्राइज हम उनको प्रोवाइड करेंगे। प्लीज हैशटैग टू बैकपैकर्स कमेंट पे लिख दीजिएगा। हमारा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है टू बैकपैकर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाके फॉलो कर दीजिए। प्लीज 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 हमें मत करिए, मत करिए। हमारा पर्सनल आईडीज भी है, अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस। पर्सनल आईडी तो भाई साहब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, हमेशा इनएक्टिव ही रहता है, मैं नहीं जाता हूँ, मैं यूट्यूब पे इसीलिए आना चाहता हूँ क्योंकि देखिए आप लोग हमें जितना इंस्टा पे फॉलो करेंगे, हम हमारे जो भी रीसेंट अपडेट्स रहेंगे, रीसेंट हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, जो भी रहेगा हम सब डालेंगे। बैकपैकर्स करो सबसे बेस्ट रहेगा, अगर आप वहाँ फॉलोवर्स बढ़ाओगे ना तो मैं फिर वहाँ पे ऑब्वियसली हम एक्टिव रहेंगे, जितना हम आपको सब प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपको दिख रहा हूँ बोल बोल रही है, बहुत बोर हो रहा ना मैं, बोरिंग हूँ पता है, ऐसा फेंके मारो क्या ये। अरे बाप रे गाइज, मुझे नशा हो गया खाने का आज, बहुत टाइम के बाद शायद मैंने इतना हैवी खाना खाया होगा। खाता हूँ मैं हैवी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा हैवी लग रहा है। ऊपर से जो मैगीज मेरे सामने रखी ना, उसको देख के तो मेरा मुंह ऐसे घूम जा रहा है। चलो गाइज मैं वीडियो एंड करता हूँ, मुझे पता है मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूँ ना, तो प्लीज़ गाइज एक आखिरी बार बोलना चाहूँगा, आखिरी बार ही बोलूंगा, इसके बाद मैं बोलूंगा नहीं आप लोगों को। आप लोगों की बहुत ईगो है, एटीट्यूड, आप लोग देखते हो व्यू आता है ना, पता है मुझे। एक लाइक कमेंट प्यारा हो चाहे कड़वा चलेगा, बट मुझे कमेंट चाहिए आपसे, और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कौन सा मैगी पसंद है यही कमेंट कर दो यार। नहीं आप लोग है ना, कमेंट कुछ भी करो, आई डोंट नो, बट सब्सक्राइब शेयर करो गाइस, सब्सक्राइब तो आप करोगे, अगर आप इतना तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता आप सब्सक्राइब लाइक भी कर ही दोगे। लाइक तो पता नहीं गाइस, लाइक तो शायद बहुत रेयर लोग करते हैं क्योंकि बहुत स्किप हो जाता है लाइक, किसके ध्यान नहीं जाता लाइक बटन पे, बट सब्सक्राइब वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूँ ताकि आप सब्सक्राइब करो। ओके, और जिस जो भी कोई है जो जीतना चाहता है ना, तो ट्राई करो कि हमारे कमेंट में हैशटैग टू बैकपैकर्स, ये 99% फॉर्मूला है अगर आपको जीतना है गिव अवे। और मैं मैन्युअली गिव अवे देने वाला हूँ, मैं कोई लिस्ट जनरेट करके AI से लाइक ऐप्स यूज करके फिर नंबर स्किप्स करके नेम डालूंगा एंड देन वो फिल्टर करके ऑटो सिलेक्ट करके, वो नहीं करने वाला हूँ मैं, मैन्युअली करूंगा। मुझे पता है मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कौन सब्सक्राइब कर रहा है, मेरे पास सारा डाटा है। नहीं भी होगा तो मैं YouTube को मेल करके सारा डाटा मंगा लूंगा मेरे कौन सब्सक्राइबर्स है, और उसमें गाइस देखिए कमेंट में डाल दूंगा। आपको जो भी सब विनर रहेगा ना, वो आपको क्लियरली दिखेगा, बिकॉज वो बंदा ऑब्वियसली हमें इंस्टाग्राम DM करेगा, वो हमें इंस्टा पे फॉलो करेगा, एंड वो हमारे कमेंट पे टू बैकपैकर्स हैशटैग डालेगा, तो वही होगा विनर। सिंपल फॉर्मूला है, के लिए आपको ना पर्सनली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, टू बैकपैकर्स को फॉलो कीजिए, उस पे जो फॉलो करता है हमें DM करता है कि भाई देखिए मैंने इतने कमेंट्स का तो जरूरत नहीं, बट सब्सक्राइब किया हुआ स्क्रीनशॉट एंड बेल आइकन वाला कर दीजिए, कमेंट्स तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे, बहुत ऑब्वियस मैं कमेंट से ही करने वाला हूँ आप लोगों की, वो सब्सक्राइब तो करना ही होगा यार, कमेंट्स ही बात है। चलो फिर बस हो गया, बहुत पका लिया आप लोगों को, मैंने मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन
टेक केयर कोरोना वायरस। अगर आप मुंबई व्यूअर्स हो गाइस तो प्लीज़ मुंबई क्यों कहीं से भी हो तो प्लीज़ सेफ रहिए, कॉज वायरस का अल्टीमेट वेव बोल सकते हैं इसे आप, क्योंकि इससे पहले ऐसा फ्लो नहीं था। आज रिसेंटली मैंने सुना बॉम्बे में 15,000 केसेस है एक दिन का। तो मुंबई गर्स प्लीज़ ऑलवेज वेयर मास्क गाइस। मुझे भी लगता था कि क्या हो रहा है, बंदर बन के क्यों घूम रहे हैं लोग, ठीक है। बट जिस बट ये चीज है ना, जब मैं ये हमारे लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, गॉट पॉजिटिव ना, तब मुझे पता चला कि कोरोना वायरस है क्या। एग्जैक्टली, तो मैंने रिवील नहीं किया था, मैं और मेरी वाइफ दोनों भी पॉजिटिव थे। वी वर क्वारंटाइन 5 days ना, हार्डली 5 days, कॉज मैं सर्वाइव नहीं कर सकता अगर मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा। नहीं, सर्वाइव और क्वारंटाइन होना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस पीपल। क्यों, आपको क्वारंटाइन होना पसंद है? 2 साल से घर पे मजा आ रहा है, मैं तो पागल हो चुका हूँ, खुला सांड बन चुका हूँ। किसी दिन रिवील कर दूंगा बॉडी आपको, जाऊंगा ना बाहर कूदूंगा स्विमिंग पूल में पूरा ओपन, तब मिल जाएगा आपको। चलो तो गाइज, मिलते हैं आपको डायरेक्टली नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, का ध्यान रखिए, अपना भी और मेरे चैनल का भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।